हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज सुबह सुबह मैं इस रूम में खड़ा हूँ। हम आज इस रूम को छोड़ के तो दूसरे रूम में शिफ्ट हो चुके हैं, जहाँ हम सर्दियों में सोते हैं। मादरा अटैच वॉशरूम है, इस वजह से फिर नाना बू के लिए वो जगह कंफर्टेबल होती है, तो हम वहाँ सोएंगे सर्दियों के अगले कुछ महीने। दिसंबर अपना रंग दिखाने लग चुका है और अब जो है सूरज वो अब बहुत ही कम कम नज़र आ रहा है कल से, और कल तो फॉग भी थी और आज भी वैसे बादल वगैरह हैं, आसमान सही क्लियर तो नहीं है, लेकिन फिलहाल तो धूप है। अब आगे देखते हैं क्या होता है दिसंबर के अगले दिनों में। गुड आफ्टरनून एवरीवन, और मैं इस वक्त खड़ा हूँ ज़रा नहा के बाहर धूप में, अपने कमरे के बाहर खड़ा हुआ हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ धूप को। लेकिन खासी धूप है नहीं, लेकिन चलें गुजारे लायक हैं, और मैं धूप जरा सेक रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह ताला नमाज पढ़ेंगे, आज जुमा भी है, आप सबको जुमा मुबारक। गुड इवनिंग एवरीवन, शाम हो और चाय ना हो, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, वो भी दिसंबर की शाम में। हम तो जून जुलाई में चाय नहीं छोड़ के, अब तो फिर भी दिसंबर है भाई। दिया कहाँ जा रही है, किधर गाड़ी पे जा रही है, हैं गाड़ी पे किधर जा रही है, किधर घर जा रही हो, घर का आपका यही है अन्ना। अच्छा उधर जा रहे हो, ठीक है। ओ माय गॉड, फॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है आज, और आज तकरीबन सही वाला दिसंबर जो है ना वो अपना रंग दिखा रहा है, इंजॉय करवा रहा है दिसंबर। वाह वाह वाह, लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक होती है, अल्लाह पाक रहम करे। और आप सब से मैं ये कहूँगा कि आप लोग ने फॉग में काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। हाँ जी, तो ठंड है काफ़ी ज़्यादा, और मैं इस वक्त बाहर शहर में घूम रहा हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ फॉग को। और अभी अम्मी आवाज़ देंगी कि ऐसा चादर कर रहे हैं। वेलकम बैक एवरीवन, तो अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ मिली है कि दादा बू की जो कंडीशन है फिर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, और इस वक्त ऑक्सीजन लगा हुआ है, उनके लंग्स में पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बन गई होगी। और आप लोगों से बहुत ज़्यादा दुआ की मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, और व्लॉग भी अपना यही पेंट करता हूँ मैं। आप लोगों से अगेन अगेन, आप जितने भी ये व्लॉग देखेंगे मेरे दादा बू के लिए, आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं कर दी है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द से अध्याप करे और वो हमारे बीच दोबारा आए, क्योंकि बुज़ुर्गों के दम से ही सारी रौनकें होती हैं। तो बस आप सब से ये रिक्वेस्ट मैं फिर करता हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर दुआ कर दी है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।